मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने आज के दिन दो और मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। जी हां, सबसे पहले स्क्वैश की बात करते हैं जिसमें मेन सिंगल्स के अंदर हमें सौरभ घोषाल अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलते हुए नजर आए इंग्लैंड के खिलाड़ी के खिलाफ। बात करते हैं तो सौरभ ने अपने मुकाबले में पूरी तरीके से डोमिनेट किया, उन्होंने इंग्लिश प्लेयर को वापसी करने का मौका बिल्कुल नहीं दिया और 3-0 से उन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल मैच जीतते हुए भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर स्क्वैश के सिंगल्स में पहला मेडल भी दिला दिया है। जी हाँ, ये मेडल काफी हिस्टोरिक जरूर रहने वाला है सभी इंडियंस के लिए और खासकर सौरभ घोषाल के लिए। बात करते हैं तो ये जो इंग्लैंड के प्लेयर है जिन्हें सौरभ ने हराते हुए ब्रॉन्ज जीता है, वो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो काफी ही ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस हमें उनकी तरफ से देखने को मिली। वहीं उसके बाद बात करते हैं जूडो की, जिसमें विमेन 78 केजी के फाइनल्स में हमें तुलिका मान खेलती हुई नजर आई स्कॉटलैंड की जूडोका के अगेंस्ट, और वहां पर भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अनफॉर्चुनेटली वो गोल्ड से जरूर चूक गई लेकिन सिल्वर मेडल वो जीत गई हैं, जिसके साथ भारत ने अभी तक टोटल अपने नाम 16 मेडल्स कर लिए हैं, जिसमें से आज के दिन 3 मेडल्स आए हैं, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। आखिर में बात करते हैं बॉक्सिंग की, जिसके फ्लाईवेट के क्वार्टर फाइनल्स में हमें निखत जरीन कम्पीट करती हुई नजर आई वेल्स की बॉक्सर के अगेंस्ट, और काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें उनकी तरफ से देखने को मिली और पूरे मैच में उन्होंने डोमिनेट किया। साथ ही 5-0 से मुकाबला जीतते हुए वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है, जिसके साथ उन्होंने कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का कर ही लिया है। तो चलिए फिर, ये थी आज की वीडियो आप सभी के लिए। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।